एवर न्यूज स्टूडियो पहुंचे। राइटर डायरेक्टर परवेज कलीम से मुलाकात की। परफॉर्मिंग आर्ट के हवाले से गुल्लू साहब, एक तो पहली बात है वो इंतहाई प्रोफेशनल आदमी है, लॉयल्टी बहुत ज़्यादा है उसके अंदर। परफॉर्मेंस का यह आलम है कि आपको पता है हम तो झूठ का काम ही करते हैं ना, झूठ लिखते हैं फिर झूठ छापना शुरू कर देते हैं, फिर शाह जी को कहा जी ये है जी शार्ट आप ये बोलें जी, उन्होंने बोलना शुरू कर दिया, तो अच्छा किया या बुरा किया वो एक अलग बात है, लेकिन आप यकीन कीजिए उस झूठ पे मेरा ख्याल है जब सच का गुमान होने लगता है तो वो गुलाम मुहिद्दीन बन जाते हैं। अली भाई उस दौर में बड़ा ज़बरदस्त कर रहे थे, तो गुड्डू साहब उनकी मौजूदगी में बड़ा मुश्किल होता है भाई साहब, किसी के अहद में कोई शख्स अपना नाम कर ले। इन्होंने जितना भी काम किया बड़ी ही दयानतदारी मेहनत से काम किया, और आर्टिस्ट तो ये हैं ही बहुत अच्छे, ये इंसान भी बहुत अच्छे, और एक अच्छा इंसान ही एक अच्छा आर्टिस्ट हो सकता है, या एक आर्टिस्ट जो है जब तक अच्छा इंसान ना हो तो एक अच्छा आर्टिस्ट नहीं हो सकता। तो बेशुमार खूबियों के मालिक हैं, इनकी ज़िंदगी किसी स्कैंडल से भी पाक रही है, हर किस्म के स्कैंडल से भी। इन्होंने जितना भी काम किया है बहुत ही दयानतदारी से और शराफत से काम किया इन्होंने, तो ये हमारा बहुत ही बड़ा बड़ी प्यारी शख्सियत है, अल्लाह इनको ज़िंदगी दे सेहत। गुलाम मुहिद्दीन साहब एक पैदाइशी आर्टिस्ट हैं, बाई बर्थ हैं, कुदरती टैलेंट है इनके पास, और इन्होंने साबित किया कि फनकार जो है ना वो पैदाइशी होता है, एक्टर बनाया जाता है, फनकार नहीं बनाया जाता, आर्टिस्ट नहीं बनाया जाता। तो ये वो आर्टिस्ट हैं जो कुदरत ने बाई बर्थ इन्हें वो टैलेंट दिया है। पहली बात इनकी जो आवाज़ जो वॉइस, फिर दूसरा इन्होंने अपना वो टैलेंट जो वो साबित किया पहली फिल्म में, मेरा नाम है मोहब्बत। ऐसे इंसान बहुत कम होते हैं, और अपने काम का तो जो उन्होंने रिकॉर्ड बनाया वो तो किसी जगह छुपा है ही नहीं है। जितना भी इन्होंने काम किया बेहतरीन काम किया, और हर हीरोइन के साथ काम किया, चाहे वो रानी बेगम थी, आसिया बेगम थी, ज़ेबा बेगम थी, दीबा थी, जिनके जिन जिन जिनके भी साथ है, प्रॉपर पेर इनका नज़र आया। जब शुरू शुरू में आए तो क्या जनाब एक पर्सनैलिटी थी, एक इनके बालों का स्टाइल यंग बॉय, और लोग उस वक्त बड़ा एक बूम पीरियड था इंडस्ट्री का, लोग गेट पे खड़े होते थे, जैसे किसी की गाड़ी एंटर होती थी तो अंदर आना भी मुश्किल हो जाता था। ये उन दिनों की बात है, 76-75 की बात है। फिल्म इंडस्ट्री में तीन गुलाम मुहिद्दीन हैं, एक ख्वाजा परवेज साहब जो बहुत बड़े शायर, उनका नाम भी गुलाम मुहिद्दीन है, एक बहुत बड़े एक्टर जिनका ये प्रोग्राम है उनका नाम भी गुलाम मुहिद्दीन है, और एक आपके सामने बैठे हैं मेरा नाम भी गुलाम मुहिद्दीन है। इस बात ने हमारी दोस्ती को बहुत पक्का किया, हम गुल्लू भाई उनको बोलते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं वो कितने बड़े इंसान हैं, कितने मोहब्बत करने वाले इंसान हैं, कितने अच्छे दोस्त हैं, और ये सारी खूबियाँ उनमें हैं। टाइम के कितने पंक्चुअल रहे हैं वो, लोग घड़ियाँ मिलाते थे, एक मोहम्मद अली साहब में ये बात थी और दूसरी गुलाम मुहिद्दीन साहब में। हमारी फैमिली फ्रेंडशिप रही है, और जिस ज़माने में हम वडेरा बना रहे थे, मैं लिख रहा था, वो काम कर रहे थे, दाऊद भट्ट जो हैं वो डायरेक्टर थे, फारूक मलिक उसके प्रोड्यूसर थे, हम एक टीम हुआ करते थे। तो जब टीमें बनती हैं तो फिल्में बनती हैं और कामयाब होती हैं। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को 8 अगस्त 1975 को नासर अदीब मिला, और 8 अगस्त 1975 को गुलाम मुहिद्दीन और बाबर अशरीफ जैसे आर्टिस्ट मिले। मैंने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में इतना कमिटेड आदमी और इंडस्ट्री के साथ इतना डेडिकेटेड आदमी और इतना पंक्चुअल आदमी मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखा, कभी ऐसा आज तक नहीं हुआ 50 साल मैंने ज़िंदगी में जो देखा कि कभी ये शिकायत आई हो कि गुलाम मुहिद्दीन सेट पर 5 मिनट या 2 मिनट लेट पहुँचा हो। हमेशा डायरेक्टर और प्रोड्यूसर से पहले सेट पर बैठा होता था, लेकिन एक उसमें नक्श था जो आज भी है, वो ये
कि उसने अपना स्टाइल बनाना नहीं सीखा, एटीट्यूड बनाना नहीं सीखा, और बड़े लोगों के और बड़े एक्टरों की तरह उसने सेट पर लेट आना नहीं सीखा, प्रोड्यूसर को तंग करना नहीं सीखा, शूटिंगें कैंसिल कराना नहीं सीखा। और शायद उसकी यही अच्छाई और उसकी यही आजी जो थी वो उसको वो मकाम न दिला सकी जिस मकाम का वो आर्टिस्ट मुस्तहिक था।